हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा, वांगली सेंटर टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद सीधे अपने बॉडी क्लोन को परफॉर्म करता है। बॉडी क्लोन परफॉर्म होने के बाद उसकी पूरी कल्टीवेशन वेस्ट हो जाती है, इसलिए वो कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए एवेंजर सेक्शन में चला जाता है। अब आगे जब वांगली को पता चलता है यहाँ पर डिसिपल्स टैलेंट बेस्ड सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, बल्कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने आप ही उन लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका पता पका लगाने के लिए वो डल क्विटेशन सर्कुलेशन से एक पिल पर प्रोविजन हटा देता है, जिसकी वजह से वो पिल तुरंत ही एक मोटे से आदमी के हाथ में पहुंच जाती है। पिल हाथ में आने के बाद वो चिल्लाने लगता है, मैं सिलेक्ट हो गया, मैं सिलेक्ट हो गया। तभी वो आदमी आता है और कहने लगता है, गलत हुआ कि इस पिल के पास लिविंग फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर नहीं होती तो तुम मेरे डिसिपल बन सकते थे, पर तुमको यूनिटी सेक्शन अकेडमी का इनर डिसिपल बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। इधर मांगलिन खड़े खड़े सोच रहा होता है, जैसे मैंने सोचा वैसा ही हुआ, पर लेकिन अगर तुम पिल को पालोगे तो तुम सीधे इनर डिसिप्लिन बन जाओगे, ये कुछ अलग है। तभी वो आदमी कहने लगता है, सिर्फ एक घंटा बचा है, जो भी आ सकता है उसे इस पिलर में से उन चीज़ें उसको सिलेक्ट करेंगी। मैं तुमको बता देना चाहता हूँ इस पिलर के अंदर जो चीज़ें हैं, इसके अंदर कुछ स्लेट्स, पेल, एक्जाइलर और फर्नेस भी हैं। फर्नेस का नाम सुनकर वांगलिन कह रहा होता है, उसके अंदर फर्नेस भी हैं क्या? तभी वो कहने लगता है, तुम इन चीज़ों से कैसे एडमिट हो सकते हो इन सेक्शन में, मैं बताता हूँ। स्लेट से तुम सीधे आउटर अकेडमी में सिलेक्ट हो सकते हो, एक्जाइलर से तुम इनर अकेडमी में सिलेक्ट हो सकते हो, इसके साथ साथ तुम थर्ड ग्रेड की एक्जाइलर्स को भी ले सकते हो, और टोकन के साथ तुम पूरे सेक्शन में कहीं भी जाने के लिए योग्य होते हो, और साथ में फ्री मेडिकल हब्स का भी यूज़ कर सकते हो, और फर्नेस के साथ तुम इन अकेडमी के हेड के स्टूडेंट बन सकते हो। तभी शाओ टेबल कह रहा होता है, मास्टर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से फर्नेस को बाहर निकालो और अपनी इज्जत बढ़ा लो। इस पर वो कहने लगता है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, अरे हज़ारों लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, सब लोग तुमको अपना रोल मॉडल मानेंगे। वांगलिन कह रहा होता है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो तुरंत ही डुअल कोटेशन से कुछ पावर को निकालता है और एक वाटर एलिमेंट पल को तुरंत ही अपने पास भेज देता है। उसको कैश करने के बाद वो आदमी तुरंत ही उसके पास आ जाता है और कहने लगता है, कौन सा एट्रीब्यूट है? उसका एट्रीब्यूट देखने के बाद वो कहने लगता है, क्या तुम मुझे अपना मास्टर स्वीकारना चाहोगे? इस पर वो उससे हाँ कर देता है। उसकी हाँ करते ही वो तुरंत ही उसके पास से वो एक्जाइलर ले लेता है और कहने लगता है, इसे मैं ले लेता हूँ और आज से तुम मेरे डिसिपल हो। वांगलिन कुछ कहना चाहता था पर वो सीधे चलते जाने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ अचानक घटना घटित होने लग जाती है। हम देखते हैं कि पिलर में से सभी लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं, मुझे भी मिल गया, मुझे भी मिल गया। तभी अचानक से उस पिलर में से एक फर्नेस बाहर निकलने लगता है और एक मोटा सा आदमी उसको खींच रहा होता है। तभी वहाँ का हेड वो कहने लगता है, पिल फर्नेस? तभी वांगलिन अपनी ड्यूअल कैटेलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पिलर को, उस फर्नेस को अंदर की तरफ लेना शुरू कर देता है, पर वो मोटा अपनी पूरी दम लगाता है। वांगलिन तुरंत ही ड्यूअल कैटेलाइजेशन टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए उसे तुरंत ही अंदर कर देता है। 8,000 साल हो गए, सिर्फ 6 ही ऐसे लोग निकले हैं जो पिल फर्नेस को निकाल सके हैं। तभी वांगलिन भी अपनी सांस में सांस लेता है और कहने लगता है, तुमको आगे बढ़ने के लिए तुम्हें लक की ज़रूरत तो है, पर ऐसा नहीं है कि तुम हर समय ही लक पे डिपेंड रह सकते हो। तभी वो आदमी उस फॉर्मेशन को बंद कर देता है और कहने लगता है, ये सिलेक्शन यहीं पर बंद होता है और जो लोग यहाँ पर जीत चुके हैं वो मेरे साथ ऊपर माउंटेन पे चलो और जो हार गए वो वापस चले आएँ। इसके बाद वे तुरंत ही लोग उस तलवार पर उड़कर ऊपर पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। वांगलिन वहाँ जाते हुए वहाँ की सब चीज़ों को चेक कर रहा होता है। कुछ ऑर्डिनेंसों को देखने के बाद कहने लगता है, एक्सेलर मेकिंग काफ़ी अच्छा है, और आगे जाते हुए सभी बिल्डिंगों को देखकर कह रहा होता है, ये तो सभी जाड़े से बनी हुई है, मानना पड़ेगा ये यूनिटी सेक्शन काफ़ी ज़्यादा अमीर है। और आगे पहुंचने के बाद एक जंगल में कुछ बीस्टों को देखता है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी से बाहर है, उनकी यहाँ पे उस जगह की स्पिरिचुअल एनर्जी को देखकर कहने लगता है, यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लगता है यहाँ पर कल्टीवेशन करना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके साथ वो और आगे निकलते हुए चले जाते हैं। काफ़ी आगे पहुँचने के बाद एक टावर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर लैंड हो जाते हैं। वहाँ पर हम कुछ 4 लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि एल्डर होते हैं और उनके आसपास उनके चेले चपाटे खड़े होते हैं। तभी बीच वाला मेन एल्डर हंसने लगता है, हा हा हा। तभी जो उन सभी लोगों को लेकर आया था वो कहने लगता है, मैं 9th जनरेशन का जोली, मैं आपको ग्रीट करता हूँ। इसी के साथ ही सभी लोग वो भी इसे ग्रीट करना लग जाते हैं। इस बार के सिलेक्शन में सिर्फ 6 लोग सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से 3 लोगों ने इंपीरियल कोड को पाया है और 2 ने एक्साइलर को और 1 ने टोकन को। इस पर वो बूढ़ा गया जाता है और कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, जिन्होंने इंपीरियल कोड पाया उनको सेकंड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और बाकी लोग सीधे जा सकते हैं। अगर वो सेकंड टेस्ट में पास हो गए तो उन्हें इनर अकेडमी का डिसिप्लिन बना दिया जाएगा। बाकी के 2 वो इनर अकेडमी में सेलेक्ट हो सकते हैं जो कि 9th जनरेशन में आते हैं। तभी वो पीछे मुड़कर एक आदमी से कहने लगता है, सुशियन नेफू, तुम यहाँ पर आकर पहले चुन सकते हो। इसके बाद वो तुरंत ही ठीक है सेक्शन लीडर और उसके पास आ जाता है। वो आकर उन 3 लोगों को देखना शुरू कर देता है। वो लड़की हंस रही होती है। तभी जोलिंग थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगता है, सेक्शन लीडर, इस आदमी को मैंने पहले से ही डिसिप्लिन चुन लिया क्योंकि इसका एट्रीब्यूट एल्केमी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इस पर वो कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है क्या,
तो इसके तो अपने नेफ्यू से कहने लगता है, इससे तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? क्या तुम इस स्टूडेंट पर गिव अप कर सकते हो? इस पर वो हंसते हुए कहने लगता है, जोलिन लिटिल सिस्टर ली का खाली डिसिप्लिन है, तो मैं इस पर मना कैसे कर सकता हूँ? वो ले सकता है। इस पर वो उसे धन्यवाद करने लगता है। सुशियन से कहता है, चुनो तुम किसको चुनना चाहते हो? ये सुनने के बाद वो लड़की तुरंत ही आगे आ जाती है और कहने लगती है, मैं मास्टर को ग्रीट करती हूँ। इस पर जोलिन उसको ऐसा करते देखकर तुरंत ही कहने लगता है, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इनर सेक्शन अकेडमी की डिसिप्लिन बनने लायक नहीं हो। तभी वो सुशियन हंसते हुए आगे आ जाता है और कहने लगता है, माना कि तो सिर्फ टोकन के हिसाब से यहाँ पर आई हो, पर लेकिन तुम्हारा करेज काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो इसलिए मैं एक एक्सपेंशन बना रहा हूँ और तुमको जिनमिंग की तरफ से इनर अकेडमी में एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और बाकी इनर डिसिप्लिन के लिए मैं से चुन लेता हूँ, और पासी के लड़की की तरफ इशारा कर रहा होता है। इस पर जोलिन कह रहा होता है, मास्टर जी तो पर रूल्स के खिलाफ है, जैसा कि अभी सुशियन ने अभी तुरंत के तुरंत बोला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब ठीक है। इसके बाद वो दोबारा बोलने की कोशिश करता है, पर वो उससे कहने लगता है, तो हम यहाँ से नीचे जा सकते हो। इसके बाद वो तुरंत ही वांगलिन को वहाँ से लेकर नीचे की तरफ चला जाता है। रास्ते में वांगलिन से कह रहा होता है, हमारे इंग्लिश सेक्शन दो भागों में बटा हुआ है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल वाले हमेशा पिल्स को बनाने के काम करते हैं और एक्सटर्नल वाले पूरे सेक्शन की रक्षा करते हैं। वे लोग एक जगह पर चल रहे होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारी हब होती हैं, उन सबको देखने के बाद शैडो टेबल कहने लगता है, ओ यहाँ पर तो कितनी सारी हब्स हैं, लगता है ये लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं। जोलिन कह रहा होता है, वांगलिन तो मेरे पहले डिसिपल हो, तो इसके बाद ये घर तुम्हारा हुआ, और एक घर की तरफ इशारा करने लगता है, इसके बाद तुम इसी में रहोगे और मुझे अभी टीचर की तरह ही सिलेक्शन में जाना है और पिल वाटर एलिमेंट एक्सेलर पर वर्क करना है। फिर एक स्लेट निकाल कर उसको दे देता है, इसमें मेरे सारे नोट्स हैं, इन सभी को तुम देखने के बाद इन सबको देखने के साथ साथ तो अपने आप ही अकेडमी पर आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो जब टीचर सिलेक्शन से बाहर निकलें, तो हम तुम्हारी डाउट बिल्कुल क्लियर कर देंगे, और इस जगह के जितने भी एक्सेलर हैं तुम उनको फ्री यूज़ कर सकते हो, पर याद रखना उनकी जड़ों को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुँचे। इसके बाद वो अपने पास एक फिल फर्नेस निकाल कर उसको दे देता है और कहने लगता है, ये फिल फर्नेस तुम मेरे से मिलने के लिए ले लो, यानी कि मेरा पहला गिफ्ट। इसके बाद वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और वो कह रहा होता है, मैं जब तक रिट्रीट में हूँ अगर तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो बाहर के एक एल्डर से पूछ सकते हो, वो तुमको सब कुछ बता देगा, चलो छोड़ो। इसके बाद ऊपर जाने लगता है और फिर मुड़ते हुए कह रहा होता है, जब तक मैं रिट्रीट में हूँ हमेशा ही काम करते रहना, क्योंकि अभी तुम यंग हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर याद रखना तुमको काम करते रहना है, रुकना नहीं है। जब मैं रिट्रीट से बाहर निकलूँगा तब तुम मेरे से कुछ पूछ सकते हो। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांगलिन दोबारा से उस पिल फर्नेस को निकाल कर देखने लगता है और कह रहा होता है, जो कि मैंने सीओ आए हुए पिल फर्नेस पाया था, वो उससे ये फर्नेस उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस पर शैडो डेविल तुरंत कहने लगता है, माना कि मास्टर बहुत ज़्यादा चीप है, पर उसने सामान तो बढ़िया दिया है। इधर हम एक पवेलियन की तरफ देखते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांति होती है, उसके अंदर से जितार बजने की आवाज़ आ रही होती है। तभी हम जितार बजाते हुए एक लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी मधुर जितार बजा रही होती है, और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। तभी अचानक से वही जोलिंग आ जाता है और कहने लगता है, मास्टर मास्टर मैंने अपना एक डिसिप्लिन एक्सेप्ट कर लिया है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद वो अपना गिटार को बंद कर देती है और थोड़ा सा हंसने लगती है, और ये लड़की कोई और नहीं लीमुवान है। इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।